तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो ट्रैक्स प्रेजेंट होते हैं स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, दैट इज असेंडिंग ट्रैक्स, डिसेंडिंग ट्रैक्स, उनका एक जनरल आइडिया लेंगे। और जो क्वेश्चन आता है ना, इन्यूमरेट डिसेंडिंग ट्रैक्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, इन्यूमरेट असेंडिंग ट्रैक्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, तो वो जो इन्यूमरेट टाइप के क्वेश्चन को हम किस तरीके से टैकल करें वो देखेंगे इस वीडियो के अंदर। और उसमें भी ये देखेंगे यार कि जो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर के जो पार्ट्स होते हैं, एंटीरियर व्हाइट कॉलम, पोस्टीरियर व्हाइट कॉलम, लेटरल व्हाइट कॉलम्स जो होते हैं, तो उसके अंदर डिसेंडिंग ट्रैक का कौन सा ट्रैक प्रेजेंट होता है, असेंडिंग ट्रैक का कौन सा ट्रैक प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। ट्रैक्स क्या होता है, सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि ये ट्रैक्स क्या होते हैं। देखिए ट्रैक्स क्या होता है, कलेक्शन ऑफ नर्व फाइबर्स होते हैं इसके अंदर, कलेक्शन ऑफ नर्व फाइबर्स विद इन CNS, समझ गए। तो यही होता है, क्या उसी को हम कह देते हैं ट्रैक्स। अब इसके अंदर भी क्या होता है, इनका एक कुछ ओरिजिन होता है, कुछ टर्मिनेशन होता है और एक कोर्स होता है। भाई अगर कोई भी एक ट्रैक के बारे में हम बात करेंगे तो हमें पता होना चाहिए ना सबसे पहले कि ट्रैक क्या होता है। तो सबसे पहले हमने आपको क्या बताया, ट्रैक क्या होता है, कलेक्शन ऑफ नर्व फाइबर विद इन CNS, तो उसको हम कहते हैं ट्रैक। अब जो ट्रैक्स भी होता है तो उसके अंदर भी हमें क्या क्या पढ़ना है। देखिए आज का वीडियो जो है केवल हम जनरल आइडिया ले रहे हैं, सिर्फ उनके नाम को याद करेंगे। देखिए सबसे पहले तो हमें नेमिंग याद होनी चाहिए ना भाई फाइबर्स के, जितने भी सॉरी ट्रैक्स के बारे में, कि कोई भी ट्रैक होता है जो एंटीरियर व्हाइट कॉलम ऑफ स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, असेंडिंग ट्रैक का कौन सा ट्रैक प्रेजेंट होगा, डिसेंडिंग ट्रैक का कौन सा वो प्रेजेंट होगा, नर्व फाइबर, तो हमें ये पहले पता होना चाहिए। अब क्या है, उसके बाद हमें क्या देखना होगा, उसके बाद हमें पर्टिकुलरली कुछ ट्रैक के बारे में पढ़ना होगा कि इनका ओरिजिन क्या होता है, इनका टर्मिनेशन क्या होता है, इसका कोर्स क्या होता है, और जो इसकी एबनॉर्मेलिटी की वजह से जो इनके क्लिनिकल्स हैं, क्लिनिकल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। अपर मोटर लीजन, लोअर मोटर लीजन, ये सब क्यों होते हैं वो हम आगे वाले आने वाली वीडियोज़ में अपने चैनल पर अपलोड करेंगे। लेकिन आज सबसे पहले जो हमारा मोटो है वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ इन्यूमरेट करना, सिर्फ और सिर्फ क्लासिफिकेशन करना। क्लासिफिकेशन किस तरीके से होता है, असेंडिंग ट्रैक, डिसेंडिंग ट्रैक, और किस तरीके से किस कॉलम में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले लिखेंगे कॉलम, ठीक है। तो वही हमने सबसे ऊपर हेडिंग पहले ही डाल रखी है क्लासिफिकेशन, तो आप समझ ही गए होंगे आज किसी ना किसी चीज़ से क्लासिफिकेशन पढ़ना है। लेकिन अब उस हेडिंग को हम कंप्लीट करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रैक, ठीक है। तो जो ट्रैक हैं उनके बारे में, तो भाई उन ट्रैक्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब हमें क्या देखना भाई, देखिए अब सबसे पहले हमें कॉलम समझने हैं, ठीक है। कॉलम कौन कौन से होते हैं भाई स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, यही बस देखिए सबसे पहले कॉलम हमें पता होना चाहिए। एक होता है एंटीरियर व्हाइट कॉलम, एक होता है पोस्टीरियर व्हाइट कॉलम। तो देखिए इस फ्लो चार्ट का जो पहले मैं आपको पैटर्न बताने वाला हूँ हम किस तरीके से बना रहे हैं। देखिए ये जो टॉपिक है जो आज हम ये कवर कर रहे हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत आसानी से आपको मिलेगा भी नहीं अगर आप कहीं भी सर्च करेंगे तो, ठीक है। लेकिन इसी तरीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही हमें इस चैनल पर अपलोड करने, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अभी हमें क्या देखना है, कॉलम। देखिए पहले मैं आपको इसका पूरा फ्लो चार्ट का वो समझा रहा हूँ। इधर हम लिखेंगे कॉलम, तीन कॉलम होते हैं आपको पता है, एक होता है एंटीरियर व्हाइट कॉलम, पोस्टीरियर व्हाइट कॉलम और लेटरल व्हाइट कॉलम, वो लिखेंगे। उसके बाद इधर लिखेंगे क्या, डिसेंडिंग ट्रैक, और इधर लिख देंगे असेंडिंग ट्रैक। अब देखिए चलिए धीमे धीमे चले, जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगी तो हम आपको बताएंगे। तो अभी हम इधर क्या है लिख लेते हैं तीन जगह कि कौन कौन से कॉलम होते हैं। तो यार अभी हमने इसके अंदर केवल एक टेबल ड्रॉ की है, क्योंकि यार देखो अगर वीडियो में अगर हम इस टेबल को ड्रॉ करते तो फालतू में वीडियो लंबा होता है, जिसका कोई मेरा ऐसा मोटो नहीं है कि वीडियो लंबा हो, है ना। हम तो ये चाहते हैं ना कम से कम समय में हम टाइम को ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज करके चीज़ें सीखें। तो क्या कर रहा है हमने सिर्फ इधर वो लिख ली कॉलम, कौन कौन से कॉलम, एंटीरियर। देखिए जैसे मान लीजिए अगर ये स्पाइनल कॉर्ड आपकी जा रही है, देखिए स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है, एकदम स्ट्रेट होती है, ठीक है, इस तरीके से जा रही है स्पाइनल कॉर्ड। जो इसका एंटीरियर साइड होता है उधर होता है एंटीरियर व्हाइट कॉलम, जो पोस्टीरियर साइड होता है पोस्टीरियर व्हाइट कॉलम, और जो लेटरल साइड होता है लेटरल व्हाइट कॉलम। अब हमें क्या देखना है, जो असेंडिंग ट्रैक और डिसेंडिंग ट्रैक के बारे में इंपॉर्टेंट तो वही है ना। तो इधर हम लिखेंगे असेंडिंग ट्रैक, तो असेंडिंग के कौन कौन से ट्रैक होते हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज के इस वीडियो का, इसलिए हमने मोटो यही रखा कि सिर्फ हमें एक जनरल आइडिया लेना है ट्रैक्स का। अब आप लोगों को जो मैं चीज़ बताने जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। असेंडिंग ट्रैक क्या होते हैं, सबसे पहले तो भाई हमें ये समझना है कि असेंडिंग और डिसेंडिंग हमने लिखे हैं, जो ट्रैक लिखे हैं ये असेंडिंग ट्रैक क्या होता है। देखिए असेंडिंग ट्रैक जो होता है, इट कंडक्ट्स इंपल्स टू स्पाइनल कॉर्ड फ्रॉम द ब्रेन, ठीक है। मतलब ब्रेन, सॉरी ये मैं आपको असेंडिंग का क्या होता है, इट कंडक्ट्स इंपल्स फ्रॉम पेरीफ्री टू ब्रेन। मतलब जो असेंडिंग ट्रैक्स होते हैं वो पेरीफ्री पार्ट, जैसे स्पाइनल कॉर्ड हो गई, इन सब से कहाँ लेकर जाते हैं, ब्रेन के अंदर लेके जाते हैं, ठीक है। कहाँ से, पेरीफ्री पार्ट से ब्रेन के अंदर लेके जाते हैं इंपल्स को, असेंडिंग वाले। असेंडिंग मतलब लेके जा रहे हैं ना भाई, लेके जा रहे हैं कहाँ, लेके जा रहे हैं किधर की तरफ। मान लीजिए यहाँ पे ब्रेन है आपका स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन देखिए ब्रेन से थोड़ा तो नीचे से
स्टार्ट होती है ना, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, हाइंड ब्रेन के नीचे से। तो यहाँ से जो भी फाइबर्स होते हैं, जो यहाँ से देखिए, पहले मैंने आपको बताया ट्रैक्स क्या होते हैं, कलेक्शन ऑफ नर्व फाइबर्स विद इन CNS, ठीक है। तो यहाँ से जो फाइबर्स जा रहे हैं इधर के ब्रेन के पास, जो फाइबर्स स्पाइनल कॉर्ड पेरिफेरी पार्ट से ब्रेन के अंदर लेके जा रहे हैं क्या इम्पल्स, उसे हम क्या कहते हैं, असेंडिंग ट्रैक। डिसेंडिंग जो ब्रेन से पेरिफेरी पे जा रहे हैं, ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड में जा रहे हैं। देखिए पेरिफेरी को हम स्पाइनल कॉर्ड ही कह रहे हैं और कुछ नहीं है उससे हमारा मतलब, ठीक है। तो क्या हो गया, असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रैक, मेरे हिसाब से अब आपको समझ आ जाना चाहिए, क्योंकि अब हम सिर्फ नेमिंग करेंगे। नेमिंग तो मतलब शुरू में तो देखिए आपको गो थ्रू होना ही पड़ेगा ना नेमिंग से, भाई एक बार में तो किसी को याद नहीं होती है। आप इस वीडियो को एक बार नहीं समझ आया, दो बार समझें। देखिए अगर आप बार बार इनके टर्म्स को याद करेंगे, देखिए मैं आपको एक बहुत एक अच्छी स्ट्रेटेजी बताता हूँ, अगर आप किसी के वीडियो से जैसे पढ़ रहे हैं हमारी वीडियो से, तो एक बार तो आप देख लें जो उसका बेस होगा वो आपके दिमाग में आएगा, लेकिन जब सेकंड टाइम आप देखें तो उसको आप इनटू 1.5 पे चला दीजिए। इनटू 1.5 से क्या होता है वीडियो से, तो जो चीज़ें होती हैं आप जल्दी जल्दी गो थ्रू करेंगे, जल्दी जल्दी ग्रैस्प करेंगे, क्योंकि आप एक बार तो उस चीज़ को पढ़ चुके हैं ना भाई। इसीलिए मैं ये चाहता हूँ कि अगर आप उसको दूसरी बार देखें, उसी वीडियो को उसी समय दूसरी बार देख लें, ताकि जो चीज़ है वो आपकी परमानेंट में जानी स्टार्ट हो जाए। तो वही है जो अब मैं आपको नाम बताऊंगा, वो आपको एक्जैक्टली एक बार में तो मैं याद नहीं करा सकता, लेकिन ये चीज़ें मैं आपको सिखा सकता था, असेंडिंग बता सकता था, डिसेंडिंग बता सकता था, ट्रैक क्या होते हैं बता सकता था, एंटीरियर लेटरल और पोस्टीरियर व्हाइट कॉलम मैंने पूरा समझा दिया आपको इसके अंदर। अब जो मैं नेमिंग करूँगा, ठीक है, असेंडिंग ट्रैक कौन कौन से होते हैं, एंटीरियर व्हाइट कॉलम में कौन कौन से असेंडिंग ट्रैक हैं, लेटरल में से कौन कौन से। भाई मान लीजिए स्पाइनल कॉर्ड है, तो स्पाइनल कॉर्ड के आगे की तरफ से कुछ नर्व फाइबर जाते हैं, कुछ पीछे की तरफ से जाते हैं, कुछ लेटरल जाते हैं, वही अब हमें पढ़ना है, कुछ नहीं। अब तो बहुत ईजी हो गया आपके लिए, क्योंकि अब आपका मैंने बेस बना दिया है। तो ठीक है, अब इसमें अब मैं जो भी लिखूंगा वो मैं स्किप नहीं करूंगा, वीडियो बिल्कुल साथ साथ लिखूंगा, और आप भी इस वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, शुरू से आखिरी तक देखेंगे। तो देखिए शुरू में मैंने सिर्फ बेस बनाया, अब क्या है, अब वो चीज़ें लिखूंगा जो हमें रटनी है। भाई रटने ही पड़ेंगे ये ट्रैक बिना रटे आप याद नहीं कर सकते, लेकिन एक ट्रिक है इसकी, जो भी मैं आपको नाम बताऊंगा, तो जो उनका ओरिजिन है और जो उनका टर्मिनेशन है उसी से वो वर्ड लिया गया। जैसे स्पाइनोथैलमिक, स्पाइनल कॉर्ड से थैलमिक, थैलमस को जा रही है, ठीक है। तो भाई है स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिन हो रहा है थैलमस में जाके, इसका इंसर्शन हो जा रहा है, मतलब टर्मिनेशन हो जा रहा है। अब जो कोर्स होगा, कोर्स तो भाई पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके बाद जो हमारे चैनल पर वीडियो अपलोड होगी वो पर्टिकुलर एक एक ट्रैक की कर देंगे, देखिए एक एक ट्रैक नहीं, जो इंपॉर्टेंट ट्रैक है उनकी करेंगे, क्योंकि जो उनका क्लिनिकल है वही हमें पढ़ना है। मैंने आपको बहुत सिंपल वे में हर चीज़ बता दी है। तो अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ यार लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें, ठीक है। तो अब हम शुरू कर रहे हैं क्या, नेमिंग। देखिए असेंडिंग ट्रैक एंटीरियर व्हाइट कॉलम में जो असेंडिंग का जो ट्रैक प्रेजेंट होता है वो होता है एंटीरियर, देखिए एंटीरियर साइड प्रेजेंट है, इसीलिए उसका नाम है एंटीरियर, एंटीरियर स्पाइनोथैलमिक। देखिए ये भी याद हो जाते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। एग्जामिनर ज़्यादातर हमसे जब वाइवा में भी ये पूछता है ना, तो सिर्फ इनके नाम पूछता है, एंटीरियर स्पाइनोथैलमिक, ठीक है, एक ही है बस ये एंटीरियर स्पाइनोथैलमिक। अब जब डिसेंडिंग में देखते हैं तो इधर आपको टोटल मिल जाते हैं चार, कौन कौन से चार ट्रैक मिलते हैं ये देखते हैं। एक होगा एंटी, देखिए अब डिसेंडिंग क्या है भाई, ब्रेन से जा रहा है पेरिफेरी में, जो इम्पल्स है इट कंडक्ट इम्पल्स टू स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन से, मतलब भाई ब्रेन से जा रहा है कहाँ, स्पाइनल कॉर्ड, ये मैं लिख देता हूँ, ठीक है। क्या इम्पल्स, ये चीज़ अगर आप बना लेंगे तो आपके लिए और आसानी होगी। यहाँ क्या है, स्पाइनल कॉर्ड से जा रहा है ब्रेन में इम्पल्स, छोड़ू क्या जा रहा है इम्पल्स, इस कहाँ से जा रहा है, स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन, ये जा रहा है ब्रेन। तो वही जो चीज़ है, जो फर्स्ट टर्म आ रहा है वो स्पाइनल कॉर्ड ही आएगा भाई, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड से जा रहा है। अब इधर क्या आएगा, पहला टर्म ब्रेन से रिलेटेड, पहला क्या होगा एंटीरियर, देखिए एंटीरियर को ऐसे लिख देंगे एंटीरियर कॉर्टिको स्पाइनल, ठीक है, एंटीरियर कॉर्टिको स्पाइनल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दूसरा क्या है वो भी हम देख लेते हैं, पहला हो गया एंटीरियर कॉर्टिको स्पाइनल, दूसरा होगा टैक्टो स्पाइनल। देखिए चार ही जानने हम आपको पहले बता चुके हैं, टैक्टो स्पाइनल। अगला क्या है, वेस्टिबुलो स्पाइनल। देखिए टर्म से ही सब कुछ क्लियर रखना है, देखिए कुछ में आप नहीं भी समझ पाएंगे टर्म्स, इसीलिए उसका कोर। देखिए सबसे पहले तो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो यही है जो मैं आपको बता रहा हूँ, टैक्टो स्पाइनल, वेस्टिबुलो स्पाइनल, एंटीरियर कॉर्टिको स्पाइनल, और आखिरी कौन सा था, मीडियल रेटिकुलो स्पाइनल, मीडियल रेटिकुलो स्पाइनल, ये चार हो गए, ठीक है। अब हमें क्या देखना भाई, लेटरल व्हाइट कॉलम, लेटरल से कौन कौन से आते हैं, देखिए लेटरल से इधर आपको मिलेंगे चार, असेंडिंग के जो लेटरल, जो असेंडिंग ट्रैक्स होते हैं जो लेटरल से जाते हैं वो कौन कौन से चार हैं,
वो हम आपको बता देते हैं, लेटरल स्पाइनोथैलमिक। देखिए उधर एंटीरियर था तो एंटीरियर स्पाइनोथैलमिक, लेटरल है तो लेटरल स्पाइनोथैलमिक, पोस्टीरियर होगा तो वो हो जाएगा पोस्टीरियर स्पाइनोथैल। देखिए पोस्टीरियर अभी बताएंगे, ठीक है, स्पाइनोथैलमिक, एंटीरियर स्पाइनोसेरिबेलर, पोस्टीरियर स्पाइनोसेरिबेलर, और स्पाइनोटेक्टल, ये चार कौन कौन से हो जाते हैं। देखिए इनसे भी डरना नहीं, केवल इनको एक बार याद कर लेना है ना, जब एक बार ये रट जाएंगे चारों नाम, ये दो, ये तो केवल एक ही है इसमें, बस जब एक बार ये रट जाएंगे उसके बाद जब हम अपनी वीडियो एक पर्टिकुलर स्पाइन एक ट्रेड के बारे में अपलोड करेंगे तो उसके अंदर उसका हम पर्टिकुलर बताएंगे क्या ओरिजिन है, क्या इंसर्शन है, और क्या उसका कोर्स है, और क्या उसका क्लिनिकल है, ठीक है। अब डिसेंडिंग को भी देख लेते हैं, लेटरल कॉर्टिको स्पाइनल, ये पहला वाला तो आप समझ ही गए, ऊपर था एंटीरियर कॉर्टिको स्पाइनल, लेटरल एक किधर आ जाता है रुब्रो स्पाइनल, एक आ जाता है लेटरल रेटिकुलो स्पाइनल, और एक और आता है इसके अंदर हाइपोथैलमो स्पाइनल। देखिए टर्म से आप समझ रहे हैं ना, हाइपोथैलमो मतलब हाइपोथैलमस, और स्पाइनल स्पाइनल कॉर्ड, हाइपोथैलमो स्पाइनल। अब देखिए जो पोस्टीरियर राइट कॉलम के अंदर क्या होता है, डिसेंडिंग के अंदर कोई भी फाइबर नहीं आता, कोई भी जो नर्व फाइबर वही ट्रैक नर्व फाइबर, कोई नर्व फाइबर नहीं आता है, ठीक है। लेकिन असेंडिंग के अंदर दो आते हैं और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्रैक्स ऑफ गॉल, ट्रैक्स ऑफ बुडैक, वो हम बताते हैं। देखिए ट्रैक ऑफ गॉल को क्या बोलते हैं, फेसिकुलस ग्रेसिलिस, फेसिकुलस ग्रेसिलिस। देखिए थोड़ा लग रहा होगा डिफिकल्ट, लेकिन डिफिकल्ट है नहीं, अभी हम क्विक रिवीजन करवा देंगे ना आपका, तो अभी उससे आपको सब ये भी आसान लगने लगेगा। और अगला कौन सा हो जाता है, फेसिकुलस क्यूनियटस, ग्रेसिलिस एंड क्यूनियटस, ठीक है। अब जो यही होता है इसी को हम और क्या बोल देते हैं, ब्रैकेट में लिख देते हैं ट्रैक्ट ऑफ गॉल, और इसको क्या देते हैं ट्रैक्ट ऑफ बुडैक, ठीक है। अब देखिए अब इसका जल्दी से क्विक रिवीजन हो जाता है, अगर हम इसका क्विक रिवीजन करेंगे तो अभी आपको ये भी बहुत आसान लगने लगा। देखिए इसके अंदर आज के वीडियो को हमारा फुल मोटो ये था, केवल हम क्लासिफिकेशन कर दें ट्रैक्स का, दैट इज असेंडिंग ट्रैक एंड डिसेंडिंग ट्रैक। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रैक में पहले हमने आपको ट्रैक बताया, ट्रैक क्या होता है, ट्रैक देखिए अब मैं बहुत जल्दी जल्दी करूँगा, पूरा एक से दो मिनट में बिल्कुल समराइज कर दूंगा, ठीक है। बस अब इसको ध्यान से सुनेंगे तो सब कुछ आपको वो हो जाएगा, लेकिन इनका नाम आपको जरूर याद करना, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, देखिए आज के जो वीडियो का जो एम था और जो टॉपिक था वो भी यही था, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रैक। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रैक में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए भाई ट्रैक क्या होते हैं, तो ट्रैक डिफाइंड एज द कलेक्शन ऑफ द नर्व फाइबर विद इन CNS, ठीक है। अब जो ट्रैक्स होते हैं इनका एक ओरिजिन होता है, एक इंसर्शन होता है, एक टर्मिनेशन होता है, ठीक है। और इनको समटाइम्स रेफर टू फेसिकुलाई, फेसिकुलाई भी हमने आपको बता दिए। अब हमने सबसे पहले देखिए कॉलम, कॉलम कहाँ प्रेजेंट होते हैं स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, एक होता है एंटीरियर वाइड कॉलम, पोस्टीरियर वाइड कॉलम और लेटरल वाइड कॉलम, ये तीन हो गए। अब एंटीरियर कॉलम में असेंडिंग का एक आता है एंटीरियर स्पाइनोथैलमिक, एंटीरियर स्पाइनोथैलमिक एंटीरियर में आएगा तो लेटरल में आ जाएगा लेटरल स्पाइनोथैलमिक, एंटीरियर स्पाइनोसेरिबेलर, पोस्टीरियर स्पाइनोसेरिबेलर, मतलब सेरिबेलर, सेरिबेलर मतलब सेरिबेलम में जा रहे हैं भाई, स्पाइनल कॉर्ड से एंटीरियर सेरिबेलर, पोस्टीरियर सेरिबेलर और स्पाइनोटेक्टल, स्पाइनोटेक्टल हो गया। और इसमें क्या होता है फेसिलस ग्रेसिलस फेसिकुलस क्यूनेटियस। देखिए बस इनका नाम याद रखिए, एग्जामिनर आपसे वाइवा में केवल इनके नाम ही पूछता है, एंटीरियर वाइट कॉलम के अंदर कौन सा असेंडिंग का जाता है ये पता हो, कोई बहुत ज़्यादा टिपिकल चीज़ें नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा लगता है जब आप शुरू शुरू में पढ़ते हैं, ठीक है। अब डिसेंडिंग, डिसेंडिंग में एंटीरियर कॉर्टिको स्पाइनल आ गया तो, और लेटरल में कौन सा है लेटरल कॉर्टिको स्पाइनल, पोस्टीरियर में कुछ भी नहीं, पोस्टीरियर में कुछ है ही नहीं तो क्या पढ़ें अब, ठीक है। इसके अंदर टेक्टो स्पाइनल इधर आता है, इधर देखो स्पाइनोटेक्टल, देखो स्पाइनल स्पाइनोटेक्टल, स्पाइनो से टेक्टल जा रहा है ना, तो भाई अभी जब हम इनका आपको ओरिजिन इंसर्शन बताएंगे तो जस्ट अपोजिट क्यों हो रहा है भाई, क्योंकि ये ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड है, तो ब्रेन वाला टर्म पहले आ रहा है स्पाइनल कॉर्ड बाद में आ रहा है, इधर स्पाइनल से ब्रेन में जा रहा है तो स्पाइनल से भी वही है। और इसमें क्या आपको मिलेगा वेस्टिबुलो स्पाइनल, मीडियल रेटिकुलो स्पाइनल, ठीक है। ये केवल टर्म आपको याद करना है, वेस्टिबुलो स्पाइनल, मीडियल रेटिकुलो स्पाइनल, लेटरल कॉर्टिको स्पाइनल, रुब्रो स्पाइनल, लेटरल रेटिकुलो स्पाइनल, और क्या देखिए यहाँ मीडियल रेटिकुलो स्पाइनल, लेटरल रेटिकुलो स्पाइनल, हाइपोथैलमो स्पाइनल, केवल इनके नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो यार प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दो यार, है ना। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में यार, तब तक स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग, थैंक यू।